नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो HDFC बैंक है और HDFC बैंक लिमिटेड है, वो दोनों के दोनों शेयर काफ़ी टाइम पहले से एकदम 52 वीक लो पर चलते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर आप यहां पर कंपेयर करने की कोशिश करें, अगर इसके एक साल का जो चार्ट है जो यहां पर आपको नज़र आ रहा है, 1324 रुपये इसका 52 वीक लो है, जो काफ़ी टाइम पहले, अभी थोड़ी देर कुछ दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो जो 1324 रुपये है वो 52 वीक इसका लो है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से 1324 से शेयर एकदम से भागता हुआ 1654 रुपये पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका बड़ा रीज़न क्या है, HDFC बैंक हो और HDFC लिमिटेड हो, दोनों की दोनों शेयरों के अंदर एकदम से ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने का अगर इसके चार्ट को देखते हैं तो दमदार रिटर्न, जो अगर इसके एक महीने के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस शेयर के अंदर पैसों की बौछार होती हुई नज़र आ रही है। एक महीने के अंदर इस शेयर ने लगभग 24 से 25% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। और यहाँ पर अगर शेयर को देखेंगे HDFC बैंक लिमिटेड को, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं एकदम से भागता हुआ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं दूसरी तरफ आपको यहाँ पर HDFC लिमिटेड की बात करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर मैंने चार्ट लगाया HDFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि HDFC जो पूरा नाम है लिमिटेड, उसका नाम है HDFC लिमिटेड। तो उसके अंदर भी आप देखेंगे लगभग एक महीने के अंदर इस शेयर ने भी 24 से 25% तक के रिटर्न देते हुए यहाँ आराम से दिखाए हैं। और अगर इसके ओवरऑल एक साल के चार्ट को लगाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर भी आपको एक ही चीज़ नज़र आती हुई दिखाई देगी कि इस शेयर ने भी लगभग 52 वीक लो से एकदम से 2121 रुपये से उछाल लगाते हुए यहाँ पर 2676 रुपये का हाई बनाया। जो अगर आप यहाँ कुछ देखेंगे, इसका जो 3000 रुपये का इसका प्रीवियस हाई है और उसके करीब पहुँचता हुआ ये शेयर एकदम से दिखाई दे रहा। तो इसके अंदर एक महीने पहले ही खबर आती हुई दिखाई दे रही थी कि इसके अंदर माल दबोचने का जो टाइम है वो बहुत बढ़िया है। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर अब काफ़ी अच्छी तरीके से तेज़ी बनती हुई इस शेयर के अंदर आज के दिन में दिखाई दे रही है, लगभग 9% तक की तेज़ी। और 9% तक की तेज़ी क्यों बन रही है, उसका रीज़न ये है कि HDFC बैंक लिमिटेड और HDFC लिमिटेड, यानी कि जो दोनों ट्विंस हैं, वो मर्ज होने वाले हैं। और जब ये मर्ज हो जाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये TCS को और रिलायंस जैसी कंपनियों को टक्कर देते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ी है। दोनों ही बैंकों की मार्केट कैप बहुत बड़ी है। एक बार मैं इसको टैली करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस नंबर पर दोनों के दोनों बैंक आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप इंडिया की 100 कंपनीज़ के अंदर, अगर आप मैं एक चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि जो टॉप 100 के अंदर सबसे पहले नंबर पर आपको रिलायंस आती हुई दिखाई देती है, जो लगभग 1,80,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ सबसे ऊपर है। और अगर दूसरी तरफ TCS की बात करें, तो ये लगभग आपको नज़र आती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से अब ये दोनों के दोनों ट्विंस हैं, वो मर्ज होने वाले हैं। यानी कि HDFC बैंक लिमिटेड और HDFC दोनों के दोनों ट्विंस मर्ज होने वाले हैं, जिनकी मार्केट कैप को अगर हिसाब लगाती हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी मोटी मार्केट कैप बनती हुई नज़र आ रही है। 9,18,000 से लेकर के 4,85,000 इन दोनों की मार्केट कैप है। अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो लगभग लगभग आपको 13 और 14 लाख रुपए की मार्केट कैप ऊपर बनती हुई दिखाई देगी। और 14 लाख की मार्केट कैप इस समय TCS की है, जो इसको बीट करते हुए दोनों के दोनों ये नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ ये इंडिया की सबसे बड़ी बैंक बनती हुई दिखाई देगी, जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले से ही है। और यहाँ पर अगर SBI की बात करें तो काफ़ी नीचे नज़र आए। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये अकेले इतने ऊपर निकलते हुए टॉप 100 के अंदर आ जाएंगे कि काफ़ी सारी चीज़ों को ये बीट करते हुए एकदम से यहाँ पर दूसरे पायदान पर बनते हुए दिखाई देंगे, जो इस समय 3rd और 8th नंबर पर हैं। तो यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर एकदम से तेज़ी बनती हुई आज के दिन में दिखाई दी। उसका रीज़न ही यही है कि दोनों के दोनों अब मर्ज होने वाले हैं। और जब मर्ज हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि जो मार्केट कैप इस समय जो TCS की है, उसको भी बीट करते हुए एकदम से टॉप पर आ जाएगी ये कंपनी।